एक बार एक राजा गौतम बुद्ध के पास आए। वे एक भक्त थे, एक महान भक्त, और ये उनका पहला दर्शन था। उनके एक हाथ में, बाएं हाथ में, वे एक सुंदर स्वर्ण भूषण लेकर आए थे जिसमें अनेक रत्न जड़े हुए थे, अनमोल और एक अद्वितीय कला की दृश्य कला। उन्होंने अपनी भक्ति दिखाने के लिए बुद्ध को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। वे इसे प्रस्तुत करने ही जा रहे थे कि बुद्ध ने कहा, इसे गिरा दो। राजा व्याकुल हो गए। उन्हें ऐसी कभी उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्योंकि बुद्ध ने कहा इसे गिरा दो, तो उन्होंने इसे गिरा दिया। उनके दूसरे हाथ, दाहिने हाथ में एक सुंदर गुलाब था। उन्हें लगा कि शायद बुद्ध को हीरे जवाहरात से क्या करना, इसलिए उन्होंने एक फूल हाथ में रख लिया। तो उन्होंने अपना दूसरा हाथ बुद्ध के सामने रखा और वह फूल प्रस्तुत किया। फिर बुद्ध ने कहा, इसे भी गिरा दो, ड्रॉप इट। तब राजा को बहुत बेचैनी हुई। अब उसके पास कुछ नहीं था बुद्ध को देने के लिए। फिर राजा को अचानक से अपने मैं की जागरूकता हुई। उन्होंने सोचा, मैं चीजें क्यों प्रस्तुत कर रहा हूँ, और शायद बुद्ध चाहते हैं कि मैं खुद को प्रस्तुत करूँ, कि मैं अपने आप को चढ़ा दूँ बुद्ध के सामने। उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, लेकिन फिर भी बुद्ध ने कहा, इसे भी गिरा दो, ड्रॉप इट। अब उनके पास गिराने को कुछ नहीं था। महाकश्यप, सारिपुत्र, आनंद और उनके अन्य शिष्य वहां मौजूद थे और वो हंसने लगे। तब उस आदमी के अंदर एक जागरूकता का जन्म हुआ। उसने अनुभव किया कि इतना कहना भी कि मैं खुद को समर्पित करता हूँ अहंकार है। इसका एहसास होते ही राजा नतमस्तक हो गया भगवान बुद्ध के आगे। बुद्ध हंसे और बोले, अब तुम्हें समझ आई, जिस दिन हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं उस दिन गुरु से मिलन हो जाता है। शेयरिंग स्टोरीज एंड लाइटनिंग माइंड्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।